हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं जिसको मैं बोलता हूं टॉपिक ऑन डिमांड। अगर आपके तो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पेजेस पे शिवम सानी ऑफिशियल एंड फ्रीकिंग कॉमर्स पे। ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई स्टूडेंट, फॉर योर सपोर्ट आप कर रहे हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज एंड फॉर योर सपोर्ट। आप लोग को कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो फॉर क्लास 11th एंड 12th, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकती हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर विद द नेम गाइडिंग लाइट क्लासेस। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम सानी एंड मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूं जिसको मैं बोलता हूं टॉपिक ऑन डिमांड। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस को लेके, सो आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे पेजेस पे शिवम सानी ऑफिशियल एंड फ्रीकिंग कॉमर्स पे आप मेरे को डीएम करिए। अगली वीडियो आई विल ट्राई टू मेक ऑन योर टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय स्टूडेंट्स फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है अभी तक, जो सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, शेयर आप कर रहे हो, वीडियोस का व्यू कर रहे हो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियोस एंड फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सो प्लीज़ सारे कॉन्टेंट देखना, अच्छा लगता है, वीडियो सही लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो ही सब्सक्राइब करना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही है। लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो इफ़ यू फील लाइक वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये जानने के लिए, टॉपिक इज शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन और प्राइस लाइन। प्राइस लाइन या बजट लाइन शिफ्ट कब करती है, ठीक है, मूवमेंट कब होता है। शिफ्टिंग का मतलब जानते हो, दैट इज पोजीशन चेंज कर लेना। मार्कर मेरा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग करना। पोजीशन ही चेंज हो गई दोनों एंड से, हर तरफ से उसकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, शिफ्टिंग ऑफ अ बजट लाइन या पीपीसी। सेम रीजन है, पीपीसी भी तभी शिफ्ट करता था, बजट लाइन भी तभी शिफ्ट कर रही है, और शिफ्टिंग होने के पीछे एक ही रीजन है, रिसोर्सेस। अगर आपकी बजट लाइन या पीपीसी कुछ भी शिफ्ट हो, उसके पीछे रीजन कौन है, रिसोर्सेस। उन्होंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट लिया, भाई हम लोग गिवन रिसोर्सेस के साथ सारी चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो बजट लाइन है, जो मेरी प्राइस लाइन बन के आ रही थी, ये वाई प्रोडक्ट, ये एक्स प्रोडक्ट, और ये मेरी बजट लाइन थी ए से बी तक। अगर ये मेरी बजट लाइन आगे जाने की बात करता हूँ मैं, तो ये सिर्फ तभी तो जा सकती है जब मेरे पास इनकम बढ़ जाए। लास्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक में, कि आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन शो होता है, ये शो करता है फुलड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का, इसके बाहर के सारे पॉइंट्स अनअटेनेबल है, लेकिन वो सिर्फ तभी बढ़ सकते हैं जब आपके रिसोर्सेज चेंज हो जाएं। तो सोचो मेरी इनकम चेंज हो गई, अगर मेरी इनकम 100 से 200 हो गई, तो कॉम्बिनेशन में ज्यादा परचेस कर सकता हूं, विच मींस मेरी बजट लाइन आगे भी जा सकती है, A1 B1। सो ये कहलाता है फॉरवर्ड शिफ्ट। ये जो आपकी पुरानी लाइन थी, ये थी विद गिवन रिसोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू 100, ये गेम रिसोर्सेज के साथ थी, जो हमारे पास रिसोर्सेज पहले से दे रखे थे, इनकम 100 रुपए की दे रखी थी। ये कब है, विद इंक्रीज इन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज आपके बढ़ा दिए गए, आपकी इनकम जो है 150 की हो गई है, तो हमारे पास ज्यादा कैपेसिटी है दोनों प्रोडक्ट्स को खरीदने की, हम एक्स भी ज्यादा परचेस कर सकते हैं, वाई भी ज्यादा परचेस कर सकते हैं, तो ये इंक्रीज के साथ आई है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड शिफ्ट, जहां पे एक्स और वाई दोनों में चेंजेस आ चुके हैं। इन अ सेम वे ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो कम भी हो जाए, A2 B2। ये कब हो गया, ये हो गया डिक्रीज इन रिसोर्सेस के साथ, डिक्रीज इन रिसोर्सेस, हमारे रिसोर्सेस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी इनकम सिर्फ 50 रुपीज की ही रह गई, पहले थी 100 की, अब रह गई 50 की, सो डिक्रीज इन रिसोर्सेस, या जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड शिफ्ट। दिस इज नोन एज बैकवर्ड शिफ्ट, क्लियर। दिस इज नोन एज शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन, या तो आगे जाएगी या पीछे आ जाएगी। आगे जाने का मतलब क्या है, रिसोर्स इंक्रीज करके, पीछे जाने का मतलब क्या है, रिसोर्सेस डिक्रीज करके। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, क्लियर है शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन का। अब बात कर लेते हैं रोटेशन की।
रोटेशन ऑफ बजट लाइन। रोटेशन ऑफ बजट लाइन का मतलब क्या है, आपकी बजट लाइन रोटेट कर रही है, मतलब एक एंड से चेंज हो रही है दूसरा एंड सेम है, होता है ना रोटेट करना, जैसे मैंने इस पोजीशन को ये रोक लिया ये चेंज कर रहा है, तो आपका एक एंड चेंज हो रहा है दूसरा एंड सेम है, दैट इज नॉन सिंपल रोटेशन। सो यहाँ पे भी यही होने वाला है, दो एंड्स हैं, एक एक्स के पास एक वाई के पास, तो एक एंड तो सेम रहेगा, या तो एक्स का एंड सेम रहेगा या वाई का सेम रहेगा, एक चेंज होगा। सो यहाँ पे रोटेशन होने के पीछे रीजन कौन है, दैट इज प्राइस, क्योंकि अगर रिसोर्स दैट इज इनकम में चेंज आया तो भाई दोनों में चेंज आएगा, लेकिन अगर प्राइस सिर्फ एक के प्राइस में चेंज आया तो फर्क भी तो सिर्फ उसी में पड़ेगा ना, दूसरे में थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। सो एक हमने बजट लाइन बनाई सेम, ये वाई प्रोडक्ट, ये एक्स प्रोडक्ट और ये मेरी बजट लाइन ए से बी तक विद द गिवन रिसोर्सेस एंड प्राइसेस। अब कॉन्सेप्ट आया, मैंने आपसे बोला कि भैया आपके जो प्राइसेस हैं पी एक्स वो फॉल कर गए हैं, पी एक्स क्या हो गया है, पी एक्स आपका फॉल कर गया है, तो ये बताओ कंजम्पशन किसका बढ़ेगा, पी एक्स का ही बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है दैट इज एक्स कमोडिटी का, तो क्या वाई में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, लेकिन आपका एक्स का कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो ये हमारा नया कर्व हो जाएगा ए बी डैश, ये रोटेशन कहलाता है, क्या कहलाता है ये रोटेशन कहलाता है। हो सकता है ये फर्स्ट कंडीशन थी, आपके पास ये आपकी बजट लाइन है ए से बी तक, मैंने आपसे बोला सेकंड नंबर पे आपके जो पी वाई है वो फॉल कर गया है, अब पी वाई डेट इज प्राइस ऑफ वाई प्रोडक्ट फॉल कर गया, तो हम कंजम्पशन किसका बढ़ाएंगे, वाई का बढ़ाएंगे, तो क्या एक्स में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, आपका एक्स प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये हो गया ए डैश, ये वाई प्रोडक्ट था ये एक्स प्रोडक्ट था, दिस इज नोन एज रोटेशन, राइट। तीसरी सिचुएशन ये भी तो आ सकती है, मैंने आपसे बोला पी एक्स एंड पी वाई दोनों के प्राइसेस फॉल कर गए हैं, ये आपकी बजट लाइन, ये आपका वाई प्रोडक्ट, ये आपका एक्स प्रोडक्ट, आपके दोनों चीजें फॉल कर गई, पी एक्स भी फॉल कर गया, पी वाई भी फॉल कर गया, दोनों के प्राइसेस गिर गए हैं, क्या हम कंजम्पशन कर सकते हैं, यस, हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं अब दोनों, तो ये क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया ए बी से, ये मूव कर गया ए वन बी वन पे, दिस इज नोन एज फॉरवर्ड शिफ्ट, अगर प्राइसेस दोनों के महंगे हो गए तो बैकवर्ड शिफ्ट, ये ऑपोजिट भी चल सकता है, प्राइसेस मैंने कम करते दिखाए हैं, प्राइसेस हाई भी तो हो सकते हैं, राइट तो आप उसके हिसाब से भी कॉन्सेप्ट क्या तैयार कर सकते हो, अगर पी एक्स बढ़ गया मतलब गिरने की जगह, तो जो ए से पॉइंट है वो पीछे आ जाएगा, अगर पी एक्स बढ़ जाता है, पी एक्स गिर जाता है तो वो आगे बढ़ जाएगा। इन अ सेम वे अगर आपके पास पी वाई फॉल कर रहा था तो ये हम ज्यादा खरीद सकते हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है पी वाई आपका बढ़ जाए तो हम उस प्रोडक्ट को कम खरीदेंगे, तो पी वाई बढ़ भी सकता है, भाई प्राइस है, प्राइस का तो कुछ नहीं कह सकते, अब दोनों के प्राइसेस कम हो गए थे, हो सकता है दोनों के प्राइसेस बढ़ जाए ए टू बी टू, तो बैकवर्ड शिफ्ट भी तो हो सकता है, समझे, प्राइसेस इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, ये आपका शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ बजट लाइन है, प्राइस लाइन है, शिफ्ट होगा किसकी वजह से, या तो रिसोर्स की वजह से या दोनों के प्राइस की वजह से, दोनों के सेम प्राइस, दोनों बढ़ भी रहे हो या दोनों गिर रहे हो, अदरवाइज ये हमेशा रोटेट करेगा, कोई डाउट इस पूरे कॉन्सेप्ट में, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकिंग कॉमर्स, अगर आप बेटर से कनेक्टेड रहना चाहते हो सो आप मेरे को फॉलोअप कर सकते हो शिवम सानी ऑफिशियल पेज पे फेसबुक के, या फिर इंस्टाग्राम पे शिवम सानी ऑफिशियल, या फिर फ्रीकिंग कॉमर्स वाले पेज पे मेरे को DM कर सकते हो, मेरे को वहाँ पे फॉलोअप कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप मेरी कोचिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए जो गाइडिंग लाइट क्लासेस के नाम से मिलेगी आपको गूगल प्ले स्टोर पे, और बाकी कोई दिक्कत लगती है, कोई डाउट्स लगते हैं कभी भी किसी भी टाइम, आप मेरे को व्हाट्सएप पे, नंबर नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फेसबुक पे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हो, या कोचिंग एप्लीकेशन है, नहीं तो यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकी कॉमर्स। प्लीज़ ऐसे ही आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहिए, मोटिवेट करते रहिए, एंड मैं आप लोग के लिए बहुत सारी वीडियोज़ लेके आऊँगा। थैंक यू।